मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में नवीनीकृत मीडिया सेंटर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया सेंटर में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की विज्ञापन व ई ऑक्शन ऐप को भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मीडिया सेंटर में सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से इसका नवीनीकरण कर इसे आधुनिक स्वरूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि अर्बन लोकल बॉडीज पोर्टल के माध्यम से अब सरकारी और प्राइवेट भवन विज्ञापन पॉलिसी के तहत पारदर्शी तरीके से अपने विज्ञापन दे सकेंगे। आवश्यकता के हिसाब से जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सब उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि जो कुछ भी देश प्रदेश की जो खबरें होती हैं समाज को दुनिया को बताने के लिए आप लोगों को जितना फास्ट सिस्टम मिलना चाहिए उतने फास्ट सिस्टम की एक उपलब्धता यहाँ इस मीडिया सेंटर पर करवाई जाए, ताकि इधर हम कोई बात कह रहे हैं और दुनिया को साथ साथ पता लग रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि SYL नहर के मामले पर 14 अक्टूबर को हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि बैठक में जरूर कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। हरियाणा मुख्यमंत्री पंजाब मुख्यमंत्री आपस में मिल बैठ करके ज़रूर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे और उसका जो निश्चित समय हुआ है वो 14 तारीख 11:30 बजे मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं और अब तक 81 पराली जलने की रिपोर्ट हुई है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंडियों में फसल खरीद का कार्य भी सुचारू रूप से जारी है। बार बहुत एक अच्छे रिजल्ट्स हमारे मिले हैं। अभी तक केवल मात्र 81 घटनाएं ही रिपोर्ट हुई हैं, जिनके खिलाफ हमने FIR भी किए सब किया है, तो लोग उसके लिए बहुत सतर्क हुए हैं। तो 4-5 तारीख में एकदम ज़रा जब ज़्यादा आवक हुई थी उसमें उठान की भी थोड़ा समस्या आई थी, मॉइस्चर के कारण से खरीद की भी समस्या थी, लेकिन वो धीरे धीरे सब ठीक हो गया है और इन 3-4 दिनों में आवक भी कम हुई है और मंडियों में जो बिक्री भी शुरू हो गई और उठान भी शुरू हो गया, तो सारी चीज़ें ठीक हो गई, आगे निरंतर ठीक चलेंगे।